हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ टेस्टी एंड इजी दम आलू की रेसिपी, जो बहुत ही आसान रेसिपी है एंड बहुत ही जल्द बन जाती है एंड खाने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है। देख के तो आपको लग ही रहा होगा। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दम आलू बनाने के लिए हमें सबसे पहले बॉयल्ड आलू चाहिए एंड आलू जो इसका साइज है वो हमेशा छोटा ही होना चाहिए एंड आप इसमें फोक के हेल्प से होल कर दो। एंड गाइस, सबसे पहली बात, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर भी करना। एंड ये रहा गाइस दही का पेस्ट, जो ये सबसे इंपॉर्टेंट मसाला है। इसमें मैंने जितने भी मसाले होते हैं, गरम मसाला, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, ये सब मैंने ऐड किया है। ये है टमाटो प्यूरी, इसे मैंने मिक्सी ग्राइंडर में पेस्ट बना लिया था। चार पके हुए टमाटर लिए, ये सारे खड़े गरम मसाले एंड लहसुन, ये रहा मेरा दो प्याज का पेस्ट, ये ऑप्शनल है, प्याज एंड लहसुन ऑप्शनल है। अगर आप प्याज और लहसुन नहीं खाते हो तो इसे अवॉइड भी कर सकते हो। तो कढ़ाई को मैंने गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है, फ्लेम को मैंने रखा है हाई एंड जब तक कढ़ाई जो हमारा पूरा हीट ना हो जाए तब तक ऑयल नहीं ऐड करना है। तो ये मैंने यहाँ पे ऑयल किया है, यूज़ किया है आपको सोयाबीन ऑयल यूज़ किया है मैंने। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी यूज़ करते हो, चाहो तो घी में भी बना सकते हो, चाहे तो मस्टर्ड ऑयल में भी बना सकते हो। जब तेल पूरा अच्छे से हीट हो जाएगा तब आपको इसमें जो है अच्छे तरीके से आलू को डालना है, ध्यान से डालना ताकि आपके हाथ जो है पके ना, क्योंकि तेल जो है इस टाइम में उड़ के पूरा उड़ता है एंड आप पक भी सकते हो। तो ये केयरफुल होके पकाना, तो इसी तरीके से आपको पकाना है। एंड जब आप आलू ऐड करते हो तो आप ध्यान रखना कि आपको कढ़ाई में चिपके ना एंड अच्छे तरीके से इसे स्टिर फ्राई करना, क्योंकि यही सही तरीका होता है फ्राई करने का। एंड आलू जब तक आपको पूरा रेड ना हो जाए तब तक आपको फ्राई करना है एंड फ्लेम जो है थोड़ा सा मीडियम या लो कर देना, तभी मीडियम या लो फ्लेम पर ही फ्राई करना। एंड गाइस देखो, मेरा जो आलू है दम का आलू वो अच्छी तरीके से मेरे ख्याल से फ्राई हो चुका है एंड कलर भी आप देख सकते हो कितना चेंज हो गया है, वाइट से सीधा रेड हो चुका है, रेड ब्राउन हो चुका है। तो इसे मैं अब निकाल लूँगी प्लेट में, जिसमें मैंने पहले से ही आलू को फ्राई करके निकाला था। सारे आलू को निकाल लूँगी, एक भी आलू छूटना नहीं चाहिए एंड फ्राई जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कि फ्राई आपको अच्छी तरीके से होगा तभी आपको दम आलू जो है अच्छा बनेगा। अब मैं क्या करूँगी, जो तेल कढ़ाई में बच गया है इसी में मैं जो है ये कलर वाले जो रेड चिली होती हैं वो पाउडर मैं इसमें ऐड कर दूँगी, ताकि जो हमारा दम आलू का कलर है वो अच्छे से आए, रेड आए। एंड अब मैं इसमें जितने भी खड़े गरम मसाले हैं एंड जो लहसुन को मैंने काट रखा था बारीक से, वो सारे ऐड कर दूंगी। एंड गाइस आप ये सोच रहे होगे ये थोड़ा जल गया है, नहीं, ये घर का चिली फ्लेक्स है रेड वाला, तो इस ये कलर वाला ही मिर्च पाउडर है, लेकिन फिर भी ये घर पर ही बनाया हुआ है इसलिए चिली फ्लेक्स के कारण आपको जो है थोड़ा ऐसा कलर लग रहा है, लेकिन जला नहीं है एंड कैमरा के कारण भी ऐसा आ रहा होगा आपको। जब ये थोड़ा फ्राई हो जाएगा, जो लहसुन का रस मिले वो चला जाएगा, देन आपको इसमें जो है प्याज का पेस्ट मिलाना है। प्याज का जब पेस्ट, आपको मैंने बोला था लहसुन एंड प्याज ऑप्शनल है, आप अवॉइड भी कर सकते हो, फिर भी आपको जो वैसा ही टेस्ट मिलेगा वैसा ही आपको स्वाद मिलेगा। तो इसको अच्छे से फ्राई करना है, क्योंकि नीचे जो है कढ़ाई में लगने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है, तो आपको लगने नहीं देना है। अगर लग गई आपको तो वो प्याज जो है वो जल जाएगा एंड आपको वैसा टेस्ट नहीं आएगा। प्याज को तब तक आपको जो फ्राई करना है, भूनना अच्छे तरीके से, जब तक प्याज का क्वांटिटी जो है आपको आधा ना हो जाए जितना आपने ऐड किया है। एंड इसी तरीके से आपको अच्छी तरीके से पूरा स्टीर फ्राई करते रहना है, रुकना नहीं है, क्योंकि अभी जो है मेहनत का काम स्टार्ट हुआ है हमारा फ्राई करने का, तो फ्राई करने में तो मेहनत लगती ही है। तो धीरे धीरे आपको 4 से 5 मिनट के बाद जो है आपको देखिएगा प्याज जो है अच्छी तरीके से मेरा फ्राई हो जाएगा, क्योंकि अभी आपको दिख रहा होगा कि प्याज का कलर जो है चेंज होना स्टार्ट हो चुका है एंड साइड साइड में जितने भी लग गए हैं उसे आप निकाल लें, सही कर दें, साफ कर दें, तो वो अच्छा रहेगा। एंड आप देखो फ्लेम को जो है थोड़ा सा लो रखना, मीडियम रखना, मीडियम या लो रखना, ताकि जले ना। एंड आप देख सकते हो अब कि मेरा प्याज फ्राई हो चुका है एंड प्याज में जितना भी पानी का अंश था वो सारा सूख चुका है, वो सारा ड्राई हो चुका है एंड तेल जो है ऊपर आ चुका है। तो अब सही टाइम है हमारा टोमेटो प्यूरी ऐड करने का, जो मैंने मिक्सचर में जार में बनाया था। तो कभी कभी होता क्या है फ्रेंड्स, कि आप टमाटर एंड प्याज का जो पेस्ट है एक ही में बना लेते हो, थोड़ा मेहनत नहीं करना चाहते हो, तो ऐसा नहीं करना आप, क्योंकि आप अगर एक ही साथ पेस्ट बना के एक ही साथ कढ़ाई में डालते हो तो वो सही नहीं होता, आपको टेस्ट नहीं अच्छा आता है, ना ही टेक्स्चर अच्छा आता है, आपको अजीब सा थोड़ा स्मेल आ जाता है। तो इसलिए आप हमेशा अलग अलग फ्राई करो। तो अब हमें इसे अच्छे तरीके से टमाटर
टमाटर की पेस्ट को फ्राई करना है, स्टिर फ्राई करना है, मीडियम फ्लेम कर देना। जब आपको होने वाला होगा तो आप हाई फ्लेम कर देना, लेकिन अभी थोड़ा मीडियम फ्लेम ही रखना, क्योंकि वो ताकि आपकी कढ़ाई में लगे ना। एंड आप देख सकते हो कि उबाल आना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो चुका है, थोड़ी देर में मेरा पक भी चुका है। आप देख सकते हो मैं थोड़ा जो है स्पीड कर दी थी एंड वीडियो को कट कर दी थी। आपको देख के लग रहा होगा कि ये कितना ज़्यादा कम है, पहले कितना ज़्यादा था, क्योंकि अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। एंड आप देख सकते हो कि कलर भी कितना प्यारा आ रहा है मेरे टमाटर एंड प्याज के पेस्ट का। तो अब आता है असली मेहनत की बारी, ये दही का जो इतना भी मैंने पेस्ट रेडी किया था, गरम मसाला मैंने इसी में मिलाया था, सब्जी का जो गरम मसाला होता है वो, चिकन भी आप मिला सकते हो, मटर मसाला भी मिला सकते हो, लेकिन मैंने सब्जी वाला ही गरम मसाला यूज़ किया है। एंड इसमें मैंने धनिया पाउडर वगैरह डाला था, मिर्च पाउडर डाला था, कलर वाला डाला था। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग तीखा भी रख सकते हो। तो अब असली मेहनत की बात ये है गाइस कि आपको एकदम से फ्राई करते रहना है, आपको रुकना नहीं है। अगर आप रुक गए दही डालते के बाद तो आपको क्या होगा कि वो फट जाएगा, जो दही आपने यूज़ किया है वो फट जाएगा। तो आपको कंटिन्यूस जो है फ्राई करते रहना है, एकदम फ्लेम को लो कर देना है। अभी आपको लो फ्लेम पे ही कंटिन्यूस फ्राई करना है। इसे होने में कम से कम 10 से 15 मिनट तो लग ही जाते हैं फ्राई होने में। एंड आप देख सकते हो कि मेरा अच्छी तरीके से दही भी जो है वो फ्राई हो चुका है। मेरे हाथों में जो अब दर्द स्टार्ट हो गया है इतना फ्राई करते करते। एंड आप देखो देखने में कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एकदम टेम्पटिंग लग रहा है मुझे। तो अब आप चाहो तो फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर सकते हो, क्योंकि अब आपको इसी समय पानी थोड़ा आपको ऐड करना है। तो अब चाहो तो आप इसे फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर दो, जैसा मैंने हाई करके रखा हुआ है। तो गाइज अच्छे से ये फ्राई हो चुका है, दही वगैरह का सारा पेस्ट अच्छे तरीके से, दही टमाटर प्याज जितने भी खड़े गर्म मसाले हैं गाइज, सच में खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है अभी। तो अब आपको क्या करना है कि अब जितने भी फ्राई किए हुए आलू थे वो अब आपको इस मसाले में अच्छे तरीके से मिलाने हैं, ताकि जो आलू है उस पर मसाले की कोटिंग अच्छे से हो जाए। एंड इस टाइम आपको अपनी गैस का फ्लेम रखना है लो, तो ताकि आपको कढ़ाई में चिपके ना, क्योंकि इस कढ़ाई में चिपकती बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये नॉनस्टिक नहीं है। आपको इसी तरीके से अच्छे से फ्राई करना है। तो फ्राई करने से क्या होता है, जो भी मसालों की अच्छी सी खुशबू आती है एंड जो भी उसका टेक्सचर आपको स्वाद आता है वो आपको आलू में चला जाएगा। जब अच्छे से फ्राई हो जाए तो आपको थोड़ा सा ही इसमें पानी मिलाना है, क्योंकि इसे थोड़ा सा मैं गाढ़ा ही रखूँगी, क्योंकि ऐसी पतली सी जो होती है तरी वाली वो अच्छी नहीं लगती खाने में। तो आपको ऐसे ही अगर थोड़ा सा लग चुका है कढ़ाई में तो मैं इसे सही कर दूँगी कलछुल की हेल्प से। आप देख सकते हो कि पानी ऐड करने के बाद भी कितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। अब इसे थोड़ा सा बॉयल आने दूंगी, ताकि आलू जितने भी मेरे 70-80% मैंने पकाए थे, बॉयल किए थे, वो अच्छे तरीके से और पक जाए तो कि सही रहेगा। इसलिए मैंने थोड़ा सा मैंने सोचा और पानी ऐड कर दूँ, क्योंकि ग्रेवी थिक थी एंड अगर मैं बॉयल आने के लिए दूंगी तो मेरा पानी जितना भी था वो पूरा सूख जाएगा। तो देख सकते हो आप कि इतना मैंने पहले इसमें पानी ऐड कर दिया है। तो अब मैं इसे उबाल आने के लिए जो है छोड़ दूँगी करीब 5 मिनट के बाद। तो गाइस 5 मिनट हो चुका है, आप देखो 5 मिनट में ही आपको कितना अच्छे तरीके से जो है वो पानी मेरा सूख चुका है। एंड ऐसे ही ग्रेवी मुझे रखनी है एंड मेरा जो ऑयल है वो भी ऊपर आ चुका है। तो इसी टाइम आप समझ लें कि आपकी ग्रेवी जो है पूरी रेडी हो चुकी है, जब आपका ऑयल जो है वो आपके कढ़ाई के ऊपर आने लगे। तो अब मुझे जो है फ्लेम को मैं कर दूँगी लो इस समय। एंड अब मैं इसमें यूज़ करूँगी मदर डेयरी का क्रीम। आप चाहो तो घर का भी क्रीम यूज़ कर सकते हो बनाया हुआ। क्रीम से क्या होता है, एक बहुत ही अच्छा टेस्ट एंड फ्लेवर आपको जो है ऐड हो जाता है बिल्कुल। अगर आपको नहीं है क्रीम तो आप नहीं डालो, अगर आपको क्रीम है तो आप डालो। लाइक जैसे एक रेस्टोरेंट में स्वाद आता है आपको खाने का, आपको वैसा ही टेस्ट इसका भी मिलेगा। आप ट्राई ज़रूर करना। एंड बहुत ही अच्छी थिक ग्रेवी हो जाती है, बहुत ही क्रीमी क्रीमी लगता है खाने में अगर आप क्रीम ऐड करते हो। तो आप चाहो तो घर पे भी इंस्टेंट क्रीम बना सकते हो, जो भी आपका छाली होता है इसको व्हिप्ड कर दो, आपको इंस्टेंट क्रीम बन जाएगी। तो आप वो भी यूज कर सकते हो, अगर आप बाहर से ला सकते हो तो आप बाहर से भी मंगा सकते हो। तो ऐसे ही करके मैं एकदम 1 मिनट के लिए या 30 सेकेंड के लिए इसको ऐसे ही क्रीम मिला के पकने दूंगी, क्योंकि क्रीम मिलाने के बाद पकने का कोई मतलब ही नहीं बनता है।
थोड़ा सा मिलाऊंगी ताकि क्रीम अच्छे से जो है ग्रेवी में मिक्स हो जाए। एंड ग्रेवी देख के यार मुझे खाने का मन कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा यम्मी है। मैं कब खा लूँ इसे, तो आप देखो कि मेरा पूरे अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है। तो अब मैं गैस को करूँगी बंद एंड अब मैं इसे सर्व करूँगी इस बॉल में। तो गैस आपको देख के कितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है ना, आपको भी मुँह में पानी आ रहा होगा क्योंकि मुझे भी इसे देख के मुँह में पानी आ रहा है। तो अब मैं इसे क्रीम से जो है वही क्रीम जो मैंने यूज़ क्या था उससे थोड़ा गार्निश कर दूंगी ताकि लुक जो है अच्छा है एंड टेस्ट भी अच्छा है। तो गाइस इतना ज़्यादा यम्मी लग रहा है ना मुझे, आप चाहो तो अगर आपके पास कोरिएंडर लीफ है उससे भी आप इसे गार्निश कर सकते हो। एंड गाइस खाने में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है एंड बहुत ही ज़्यादा क्विक में भी बन जा रहा है। जैसा मैंने आपको बोला था, आप अगर लहसुन प्याज नहीं यूज करना चाहते हो तो मत यूज़ करो। एंड गाइस आप इसे ज़रूर एक बार बना के ट्राई करना एंड मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में आपको कैसी लगी ये टेस्टी एंड ईजी क्विक दम आलू की रेसिपी। तो गाइस मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। एंड गाइस प्लीज जाते जाते मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना एंड मेरे चैनल को सपोर्ट करना एंड अपना ढेर सारा प्यार देना।